हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका शोर सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपको बताया कि आज हम अगला पार्ट देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, तो आइए देखते हैं। टाइप सात तक के प्रश्न मैंने दो में बता दिए हैं वीडियो नंबर टू में, जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। आइए देखते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी राशि पर दो वर्ष का साधारण ब्याज 80 है तथा दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 88 है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब भी समय आपको दे दे दो वर्ष, क्या बोल रहा हूँ, जब भी समय आपको दे दे दो वर्ष और दर पूछे, तो आपको इस सूत्र के माध्यम से, ट्रिक है, इसके माध्यम से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको मेथड से करने जाएंगे तो तीन पेज का प्रश्न है, तीन पेज लग जाएंगे, 10 मिनट खराब हो जाएंगे आपके। तो क्या बोला, दर प्रतिशत ब्याज का अंतर, ब्याज कितना दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज 88, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 80 बटे, अब मुझे बताइए, दो वर्ष का साधारण ब्याज आपको दे रखा है कितना 80, तो एक वर्ष का कितना होगा, आधा हो जाएगा दोस्तों 40, तो एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 40 × 100। सॉल्व कर लेते हैं, 88 में से 80 गया 8/40 × 0, 8 बजे 40, 5×2 = 10, उत्तर कितना आएगा दोस्तों 20%। तो क्या पूछा उसने दर, तो दर आएगी 20%। आइए देखते हैं एक और प्रश्न। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न। किसी राशि पर दो वर्ष का साधारण ब्याज 270 है तथा दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा था ट्रिक, जब भी समय दो वर्ष का साधारण ब्याज दे दे चक्रवृद्धि ब्याज दे दे, तो आपको इस सूत्र के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से उत्तर निकालना है। तो देखते हैं दोस्तों, ब्याज का अंतर कितना है, 282.15 − 270/270 क्या है, दो वर्ष का साधारण ब्याज, तो एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 135 × 100, ये निकल गया आपका उत्तर 82 12.15 / 135 × 100, 0 लगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 × 10 = 3 = 35, 5 × 10 = 2 5 = 24 1 5 × 3 = 15 9 × 3 = 27 9 × 2 = 18 6 × 9 = 63 3 × 9 = 27 उत्तर आएगा दोस्तों आपका 9%। तो दर कितनी होगी, 9%। आइए देखते हैं अगले टाइप का प्रश्न। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप 9 प्रश्न। 2000 रुपए की राशि कितने समय में, समय पूछा है, 10% की दर से 2420 रुपए हो जाएगी। दोस्तों 2000 रुपए की राशि, मतलब मूलधन कितना दे रखा है 2000 और कितनी हो जाएगी 2420। दोस्तों सूत्र से कर सकते हैं, लेकिन सूत्र से आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे, 15 सेकंड में प्रश्न आपका हो जाएगा। 2000 रुपए की राशि मतलब मूलधन है और 2420 मतलब मिश्रधन है। ट्रिक क्या है, मिश्रधन बटे मूलधन, तो मिश्रधन क्या है 2420, मूलधन कितना है 2000, निकालिए दोस्तों 0 से 0 कैंसिल, ये 100 बार कट जाएगा, ये 121 बार बचा कितना 121/100, 121/100 मतलब 11/10, और ये किसका वर्ग होता है 2 का। तो दोस्तों जो 2 घात आ रही है वही आपका क्या है, वर्ष है, क्योंकि आपको सूत्र बताया है मिश्रण बराबर मूलधन इंटू 1+10/100 की घात समय, तो जो घात में होता है वो समय होता है। पूछा भी क्या है आपसे, कितने समय में, तो उत्तर क्या आएगा दोस्तों 2 वर्ष। आइए देखते हैं एक और प्रश्न। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। 8000 रुपए की राशि कितने समय में 5% की दर से 9261 रुपए हो जाएगी। दोस्तों 8000 रुपए दे रखे हैं, मतलब ये मूलधन है, और कितने होने की बात हो रही है 9261 हो जाएंगे, मतलब मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन, तो मिश्रधन है 9261, 8000 है मूलधन, बहुत आसान है दोस्तों, मिश्रधन है 9261, मूलधन है 8000। अब दोस्तों ये किससे कटेगा, किससे भी नहीं कटेगा, तो आपको पता है 8000 कैसे बनता है, 20 × 20 × 20 और ये बन जाएगा आपका 8000 और 9261 21 × 21 × 21 ये बन गया 2261। तो दोस्तों क्या हुआ, 21/20 कितनी बार करने में प्राप्त हुआ, 3 बार होना, तो समय कितना आया दोस्तों 3 वर्ष। आइए तो दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा अलग प्रश्न, अलग टाइप का, टाइप 10। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप 10 प्रश्न, देखिए क्या अंतर है इसमें। 3000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से, अब की बार दर पूछिए, पिछले वाले प्रश्न में समय पूछा था,
तीन वर्ष में 3,900 रुपए हो जाएगी। समय दे रखा है, दर पूछिए। पहले दर दे रखी थी, समय पूछा था, बड़ा आसान है। क्या सूत्र प्रक्रिया हमारी 3,000 रुपए की राशि, तो 3,000 क्या है मूलधन, कितनी हो जाएगी 3,900, यह है मिश्रधन। तो जल्दी से रख दीजिए, यहाँ रख दिया आपने मिश्रधन, यहाँ रख दिया आपने मूलधन, काट दीजिए इसको। तीन से कटेगा 1,000 बार, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, तीन तिया नौ, तीन एकम तीन, तो कितना 1331 बटे 1,000, और ये हो जाएगा आपका 11/10³। तो उत्तर कितना है दोस्तों, तीन। लेकिन तीन तो वर्ष आया है, आपको क्या पूछा है, दर पूछा है। तो दोस्तों देखना क्या करना है, 11/10 जो आया है, जो 11/10 आया है उसमें 100 का गुणा करना है, तो दर निकल जाएगी 0 से 0, 11 दही 110। तो 110 है, तो 110 कितनी ज्यादा है 100 से, तो ये है 10%। दोस्तों एक और तरीका है शुरू करने का, 11/10 आया, 10 से कितनी हो गई 11, 10 से कितनी हो गई 11, कितनी बड़ी है, एक बड़ी है, 1/10, एक बड़ी है 10 पे, तो दर हमेशा 100% होती है, 0 से 0 के आंसर 10%। दोनों तरीके से हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट उत्तर आएगा, यहाँ जो 110 आया है इसमें से 100 घटाना पड़ेगा तब उत्तर आएगा। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। आइए देखते हैं एक और प्रश्न। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप 10 का दूसरा प्रश्न। 8,000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से 2 वर्ष में 8,820 रुपए हो जाएगी। राशि कितनी है 8,000, कितनी हो रही है 8,820, तो ये क्या है मिश्रधन, ये क्या है मूलधन। तो रख दीजिए जल्दी से, 8,820 तो हो गया मिश्रधन, 8,000 हो गया आपका मूलधन, 0 से 0, 2 चौक 8 400 हो गया, 2 चौक 8 2 चौक 8 2 1 2, 441 बटे 400, और ये होता है दोस्तों 21, ये होता है 20, इन दोनों का वर्ग। लेकिन दोस्तों समय नहीं पूछा है, क्या पूछा है दर, फिर दो तरीके, 21/20 में 100 का गुणा कर दो तो आ जाएगी दर 20 5 100 5 5 5 2 10 105, इसमें से कितना घटा दो 100, तो आ जाएगा 5%। दूसरा तरीका 21/20, 20 थी कितनी हो गई 21, कितनी बढ़ी, एक बढ़ी, किस पे बढ़ी 20 पे बढ़ी, और दर कितनी होती है 100 20 5 100 5%। या तो इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, उत्तर हमेशा आपका वही आएगा। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न। दोस्तों देखते हैं टाइप 11, पहला प्रश्न, वह कौन सी धनराशि है जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपए हो जाती है। वह कौन सी धनराशि, मतलब मूलधन पूछा है, क्या दे रखा है मिश्रधन दे रखा है। तो दोस्तों बड़ा आसान है, मूलधन निकालना है, बिल्कुल निकालना है, 2420 क्या दे रखा है मिश्रधन। अब देखिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 10 को जोड़ दो 100 में, कितना हो गया 110, और वो लिख दो नीचे, इंटू ऊपर कितना आएगा 100 100/110, 2 क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि समय कितना है 2 वर्ष, छोड़ कर लो उसको, 0 से 0 0 से 0, 11 कम 11 11 दुनी 22 2 11 दुनी 22 0 11 कम 11 11 दुनी 22 0, 20 × 10 × 10, तो दोस्तों आपका मूलधन आ जाएगा 2,000 रुपये। आइए देखते हैं एक और प्रश्न। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न, ये हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। वह कौन सी धनराशि है जो 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9,261 हो जाएगी। 9,261 हो जाएगी, मतलब ये क्या है मिश्रधन है, निकालना क्या है मूलधन। तो बड़ा आसान है, मूलधन निकालना है, देख कितना रखा है 9,261, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 100 हमेशा पूरी दर होती है, 100 में 5 जोड़ेंगे 105, नीचे ऊपर 100, 105 नीचे ऊपर 100, 105 नीचे ऊपर 100, 3 बार क्यों किया 3 वर्ष, 4 बार होगा तो 4 वर्ष, 5 बार लिखते तो 5 वर्ष, 2 बार लिखते तो 2 वर्ष, ठीक है 20, ये 21 20, 5 × 10 1 5 × 10 5 × 10 1 5 × 10। अब दोस्तों थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए, 21 21 21 21 × 21 × 21, ये 21 का क्यूब हो गया, ये होता है 9,261, तो ये आपको क्या मिल गया, यहाँ से सब कट गया 20 × 20 × 20, 2 × 4 × 8, तो आपका मूलधन कितना आ गया दोस्तों 8,000 रुपये। तो दोस्तों ये मैंने कोशिश की है, यहाँ 3 से 4 प्रकार के टाइप के अपने प्रश्न देखे हैं। अगर आपको बिल्कुल लगता है कि आपको समझ में आ रहा है और वाकई में इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपके बाकी सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए,
लाइक जरूर करिए, लाइक नहीं कर रहे हैं तो क्या मैं और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, सजेशन जरूर दीजिए। आप सब देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, या तो लाइक करिए या कमेंट करिए और बताइए कि मैं इसमें ऐसा कुछ और क्या करूँ ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो। धन्यवाद।